संभालती, अपने ससुराल नहीं गई तो गई कहाँ। तो हम आप लोग से दोस्तों बता देना चाहते हैं कि अभी हम अपने ससुराल नहीं गए, आप लोग से ये कहना चाहते हैं कि आज मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। मैं सुबह से ही तैयार हुई थी लेकिन तो जाना नहीं सोच रही थी, लेकिन मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। और मेरे पति मुझे मारें चाहे काटें, मुझे जीने जीने मरने का मेरा कोई मुझे वो नहीं है। अब मैं जा रही हूँ वहीं, और चाहे वो मार डालेंगे, चाहे कुछ भी करेंगे, चाहे किसी को भी दे दें, मुझे कुछ भी करें, क्या करें क्या ना करें, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जा रही हूँ अपने ससुराल अपने पापा के साथ। बोल के आई थी मालती चौहान की जा रहे अपने ससुराल अपने पिता के साथ, लेकिन मालती चौहान के घर तो पुलिस वाले आ गए हैं। ये पुलिस वाले इसलिए आए हैं कि मालती चौहान की मौत हो गई है, और इस मौत का राज क्या है आपको जब जांच होगा तभी पता चल पाएगा, क्योंकि अभी बताया जा रहा है मालती चौहान सुसाइड कर लिए हैं, फांसी लगा ली है, लेकिन आत्महत्या है फांसी, जांच होगा तभी पता चल पाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर जो गांव वाले लोग हैं, गांव वाले लोग भी यहाँ पर पहुँच गए हैं, अगल बगल में चारों तरफ आपको लोग ही लोग दिखाई देंगे, जहाँ पर लोग दिखा दें, क्योंकि पुलिस जाने नहीं दे रही है अंदर, इसीलिए लोग यहीं से देख रहे हैं। और आपको बता दें कि बहुत सारे लोग, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, सब कोई देख रहे हैं कि मालती चौहान नहीं रही। हालांकि मालती चौहान के घर पे भी बहुत सारे मीडिया बंधु आ गए हैं जो तस्वीर के जरिए देख रहे हैं, पूरे गांव के लोग हैं, गांव के लोग हैं। हालांकि मालती चौहान के घर में अब हम चलेंगे अंदर, उसके बाद हम आपको सारी घटना वहाँ से भी दिखाएँगे। मालती चौहान का पुराना वाला घर है, अब देखिए इधर भी चलेंगे, यहाँ पर लदीकट्टा मशीन भी रखा हुआ है। हालांकि यूट्यूब में स्वागत है आपका, वही वाला जो हाउस मीडिया हाउस है, यूट्यूब हाउस, वही उनका घर है, आप देख सकते हैं लिखा होगा ऊपर, देखिए लिखा है ऊपर यूट्यूब हाउस में आपका स्वागत है। और जो साड़ी से घेरा है उसके बगल में जनाही माना है, जा नहीं सकते हैं अंदर, जाना माना है। और वहीं पर मालती चौहान का लाश रखा हुआ है, शव रखा हुआ है, क्योंकि पति के आस था कि हमारी मालती आएगी, लेकिन मालती तो आई, लेकिन मालती का अब लाश देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा लोग यहाँ पर इकट्ठा है, पत्रकार बंधु हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि उनके पिताजी क्या कहते हैं, उनकी भाई क्या कहते हैं, मालती के साथ कैसे क्या हुआ है, क्या जानकारी आप मुझे? जानकारी है उसके साथ ये साजिश किया हुआ है विष्णु, और इसमें अर्जुन जो है वर्मा है, और इसके दोस्त भी कई लोग ऐसे हैं, ये सब लोग मिल करके उसके साथ साजिश करके उसे जान से मारे हैं। और इसमें सबसे मेन माइंड का बोलता है इसका विष्णु का है, इसलिए हर किसी को इसका सजा मिलना चाहिए, विष्णु का तो कारावास होना चाहिए, क्योंकि एक मालती का नहीं है हत्या किया है, हजारों लड़कियों की हत्या किया, हजारों परिवारों से उसे तोड़ा है। आप, और इतनी हिम्मत वाली वो लड़की थी कि खुद हत्या नहीं कर सकती है, ना वो आत्महत्या करने के विचार में थी। अभी हमारे घर से आज 2 दिन पहले ये लेकर के आया है, और कल हमारी बात हुई है, कोई बात नहीं थी, शाम को बात हुआ, ये बार बार जाकर के झगड़ा लड़ाई करने की बातें कर रहा था, उसके बाद रात में ये कांड किया है, स्टूडियो से ये 3 बजे रात को उठ करके आया है, उसके बाद उसे मारा है, इसको इंक्वायरी होना चाहिए। अच्छा देखिए अपनी दीदी का, वो कह रही कि वहाँ पे हम हैं, आपने जो है मायके से पापा हमको लेके आ रहे हैं। नहीं, वो जैसे 20 तारीख को हम थे ना, हम गए थे छठ पूजा में, हम घर पर नहीं थे, उसके बाद हम जैसे वो वीडियो डाली थी कल, तो हम देखे तो हम बोले करे कहा था कि घरे बाटी, और बाद अब कहाँ बाटी, दीदी के बाटी की घरे, कहते हैं ना ही घर बाटी, विष्णु कान है कैसे इसे बना के डाल दे वीडियो, विष्णु कान है। और क्या लगा जो है विष्णु ये क्यों इस तरह किया है, हमको ये सब नहीं पता, बाकी सुबह हमारे पास रात को विष्णु फोन किया है 5 बजे, तो 5 बजे किया तो बोल रहे मालती फांसी लगा ली, तो हमको विश्वास नहीं था, तो हम काली में लगाए थे किसी के पास, दो तीन जने के पास लगाए, तो सभी लोग बताए हैं, सभी लोग बताए इस तरह हुआ है। हाँ। तो कहीं ये मालती को ऐसे छुटकारा नहीं तो पाना चाहता था? हाँ, हमें यही लगता है, क्योंकि जब भी हमारे पास फोन करता था तब भी बोलता था किसी को इंटरव्यू मत देना, जो हो गया हो गया, अब सोशल मीडिया पे मालती नहीं आएगी तो झगड़ा नहीं होगा, यही सब हमको बताता था जब हम फोन करते। तो ये राधिका कहीं नहीं, राधिका के लिए नहीं किया है? हाँ, ये राधिका ही के लिए किया है, सब कुछ उसी के नाते किया है, राधिका, अर्जुन और विष्णु।